हेलो फ्रेंड्स, गुंजन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है, गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है। पत्ता गोभी में नमक डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच के करीब, और हाथों से मिक्स करेंगे। फिर 5 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं एक बाउल ले लूंगी, इसमें डालूंगी घिसा हुआ गाजर, यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। पत्ता गोभी कैसे कर, इसी तरह सारे पत्ता गोभी को मैं निचोड़ लूंगी और पानी निकाल दूंगी। निचोड़ के पीछे पानी अलग कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल, इन सबको मिक्स कर लूंगी और छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी। यहाँ हाथों में तेल लगा लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ये ऐसे बॉल्स बना के रेडी करेंगे। सारे बॉल्स ऐसे ही मैं बना लूंगी। मैंने सारे बॉल्स को बना के रेडी कर लिया है। अब इसको तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम फ्राई कर लेते हैं। इसको पलट लूंगी। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, बन चुका है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। यहाँ पे मैंने सारा सब्जी को काट करके रख लिया है। यहाँ पर प्याज डालेंगे, गाजर भी डाल देंगे, साथ में शिमला मिर्च, यहाँ पे हरा लहसुन और अदरक बारीक काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। पत्ता गोभी को डाल देंगे इसमें। सारे सब्जी को 2 मिनट के लिए मिक्स इसमें पका लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे सब सारी सब्जियों को। यहाँ पे रेड चिली सॉस ले लूंगी, 1 चम्मच सोया सॉस, यहाँ पे बड़े चम्मच से कॉर्नफ्लावर ले लूंगी। ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी डालेंगे 2 चम्मच के करीब, इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। इसमें पानी मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें सॉस डालेंगे, इसमें सॉस डालेंगे टमाटर सॉस। इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे, इसके अंदर 2 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से। मंचूरियन बनके रेडी है। गैस को बंद कर देंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। मंचूरियन बनके रेडी है, गर्मा गर्म मंचूरियन बनके रेडी है। आप इस तरह के से मंचूरियन बनाएंगे तो आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू।